नमस्ते फ्रेंड, मीरा कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में, वॉल फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो वॉल फिश ले ली है और अच्छे से इसको धो लिया है। पतला झोल बनाएंगे आज, तो ज़्यादा सामान ना लेते हुए हमने 1 प्याज लिया है और 4-5 हरी मिर्च और 1 कालो जीरा मतलब कलौंजी और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, 2 छोटे टमाटर का पेस्ट बना लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नमक मिला लेंगे फिश में, इसको अच्छे से, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेंगे, कच्चा तेल है ये। बॉल फिश बहुत ज़्यादा फटती है फ्राई करते वक्त, तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मिक्स कर लेंगे सब चीज़ को। और इधर कढ़ाई पर हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा इधर गर्म भी हो रहा है, जब तक इसको अच्छे से मैरिनेशन कर लेंगे इसका। फिश को फ्राई करने से पहले तेल में नमक डाल देंगे ताकि फिश नीचे लगे ना। अब फिश को डाल देंगे एक एक करके। इसे ढक देंगे, बहुत ज़्यादा फटकेगी नहीं तो। जैसे ये एक तरफ फिश हमारी फिट गई है, अब इसको पलट देंगे। एक बार फिर से ढक देंगे, निकाल लेते हैं ढक्कन खोल के। फिर फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा बैच भी भून लेंगे। सारी फिश फ्राई हो गई है, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तेल में काला जीरा डाल देंगे मतलब कलौंजी, और 3-4 हरी मिर्च। प्याज भी डाल देंगे, प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे। सौटे हो गई है, अभी डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, अभी डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। नमक भी डाल देंगे टमाटर के ऊपर, और अच्छे से 2-3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे 1 मसाले का पेस्ट बना लेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। पानी डाल के एक घोल बना लेंगे मसाले का, नमक नहीं डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है। खोल कर देख लेते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छे से प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से भुन गया है। अभी जो मसाले का घोल बनाया है इसे भी डाल देंगे, इसके साथ में मिक्स करके अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट के लिए। एक बार ढक्कन खोल कर देख लेते हैं मसाला के। और 2 मिनट भुनाई करेंगे इसकी। भुनाई हो गई है, पानी डाल देते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रेवी के हिसाब से हमने पानी डाल दिया है, अभी इसको 2-3 उबाल आने देंगे, ढक देंगे। एक बार देख लेते हैं ग्रेवी फूट गई है। हाँ, ग्रेवी उबल गई है अच्छे से, अच्छे से उबाल आ रहा है ग्रेवी में, तो अभी इसको डाल देंगे। फिश को अच्छे से डाल दिया है, इस तरीके से थैता से दबा देंगे और 4 मिनट के लिए इसको मध्य आंच में उबलने देंगे। ढक्कन खोल के देख लेते हैं, 4 मिनट हो गए हैं। फिश बहुत अच्छे से उबल गई है, अभी डाल देंगे हरा धनिया पत्ती और डाल देंगे लास्ट में गरम मसाला।
गरम मसाला डाल दिया है और इसमें दो तीन हरी मिर्च डाल दी हैं साबुत, तो इसको अभी गैस को कर देंगे बंद। तो दो मिनट हमने स्टैंडिंग टाइम पे छोड़ दिया था। अब देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से हमारी फिश करी बनी है, बॉयल फिश करी। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप भी ट्राई करिएगा आज। और आज की कैसी लगी हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। ठीक से रहिए, ध्यान रखिए अपना, गर्मियों में अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।